तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आप अपना पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट नाउ का 1 4 इसमें क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल तरीके से हमारा 1 4 आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर हमारा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दोस्तों, अगर आप भी अगर पेटीएम वॉलेट अगर एक्टिवेट करके अगर थक चुके हैं, परेशान है दोस्तों पेटीएम वॉलेट अगर आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर हम पेटीएम वॉलेट को कौन सा तरीका, कौन सा ट्रिक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, वो ट्रिक दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कर लेते हो बिना स्किप किए हुए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम पेटीएम वॉलेट को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से 1 4 आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे। अगर दोस्तों, अगर आप भी अगर पेटीएम वॉलेट अगर एक्टिवेट करके थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आपका ना टाइम लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, साथ ही रुपये घंटे को ऑल पे सेट करना, इससे मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है पेटीएम। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप पहले से यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लेटेस्ट बीटा वर्जन का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक में क्लिक करेंगे, सीधा प्ले स्टोर में आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर इंस्टॉल या फिर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर लिंक में क्लिक करके अपडेट कर लें, फिर इंस्टॉल अपने फ़ोन में आपको फिर से कर लेना है। अब जैसे ही इंस्टॉल या फिर अपडेट करके ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको वही मोबाइल नंबर से यहाँ पर पेटीएम अकाउंट बनाना, जो मोबाइल नंबर अगर आपके पास अगर पहले से अगर बैंक अकाउंट है, तो जो जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट अगर साथ लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर पेटीएम अकाउंट बनाना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड सिक्योरली में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप इंटर किए हो, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका निकल के इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका सिम स्लॉट में लगा हो, उस सिम को सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद जस्ट प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके नंबर से एक SMS सेंड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर अपने आप इस तरीके से रिडायरेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपका पेटीएम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपका पेटीएम अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, सबसे पहले आपको इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पेटीएम अकाउंट बनाए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। या फिर अगर ऑप्शन नहीं मिलता, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा UPI एंड पेमेंट सेटिंग का। जस्ट आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा, यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, वो बैंक को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सर्च बार भी यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर सर्च बार में अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसका यहाँ पर आपको UPI पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। उसके लिए आपको ATM डेबिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर साथ में ATM डेबिट कार्ड भी रखना है। आपको यहाँ पर UPI पिन सेट कर लेना है। UPI पिन सेट करने के बाद आपको होम पेज में बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सीधा होम पेज में चले आना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका अगर इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ रहा है, सॉरी वॉलेट ओपनिंग इज़ टेम्परली नॉट अवेलेबल, इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करने का ऑप्शन बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप बैंक अकाउंट अगर पहले से लिंक किए हो, तो यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और आपको इस तरीके से भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको होम पेज में बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों, सीधा आपको प्रोफाइल सेक्शन में फिर से आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर में हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिला, जस्ट आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर एक पेटीएम असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेटीएम हेल्प एंड सपोर्ट इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आपको चूज अ सर्विस बोला जाएगा। कौन सी सर्विस के लिए आप यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को यहाँ पर यानी पेटीएम हेल्प सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट का जरूरत है। जस्ट आपको पेटीएम वॉलेट में टैप करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा। पेटीएम वॉलेट पेमेंट एडिंग पेमेंट, यहाँ पर आपको एक पेटीएम असिस्टेंट दिया जाएगा। उससे आपको अच्छे तरीके से चैट करना है। चैट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसमें स्क्रीनशॉट नहीं होगा, यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको किसी मोबाइल से कैमरे से खींच के उस फोटो को आपको अपने फ़ोन में ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों, उसका प्रॉब्लम यहाँ पर उसको सोल्यूशन दिया जाएगा आपको सारा चीज़। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों, सीधा आपको यहाँ पर होम पेज में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इसमें सर्च बार में टाइप करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों पेटीएम वॉलेट। इसी यहाँ पर पेटीएम वॉलेट के लिए सर्च करोगे, पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर आपका ऑप्शन इस तरीके से निकल के आ जाएगा पेटीएम वॉलेट का। जस्ट आपको पेटीएम वॉलेट में टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका पेटीएम बैलेंस इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्लिक करना, नो फी यहाँ पर जो लिखा हुआ ट्रांसफर टू बैंक, जस्ट आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा, अपग्रेड योर केवाईसी एज पर रेगुलेशन यू नीड टू अपग्रेड योर केवाईसी ट्रांसफर फ्रॉम मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक अकाउंट, जस्ट आपको प्रोसीड में टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज निकल के आ जाएगा, प्लीज़ सबमिट योर बेसिक डिटेल्स टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। तो जस्ट यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, और जो भी उस डॉक्यूमेंट में नेम होगा उस नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, और जस्ट यहाँ पर आपको एक्टिवेट माई वॉलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर में आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा, आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को फिलअप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा, योर वॉलेट इज नॉट एक्टिव, एक्टिवेट इन लेस देन 30 सेकेंड, एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको एक्टिवेट नाउ में क्लिक करना है और आपका पेटीएम वॉलेट सक्सेसफुल तरीके से यहाँ से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका पेटीएम वॉलेट अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो यहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर जो नियर पॉइंट होता है उस आप सभी को वहाँ पर जाना चाहिए और आपको थंब लगा के यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पेटीएम KYC आपको करा लेना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगा, सारा चीज़ क्लियर समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।